दोस्तों आज आप देख रहे हैं होंडा कंपनी की नई बाइक होंडा साइन 100 सीसी। ये अलग बात है कि भाई यहाँ पर कहीं भी 100 नहीं लिखा हुआ, लेकिन मॉडल और डिज़ाइन को देखकर आप ये कह सकते हैं कि ये साइन 100 सीसी है। तो इस बाइक में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, इसकी ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बस बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले हम साइड से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप साइड से देख रहे हैं, आप देखेंगे वही साइन वाले ग्राफिक्स आपको मिलते हैं, और दूर से देखने पर तो आपको साइन जैसी दिखेगी या फिर CD 110 जैसी दिखेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई तो साइन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप ग्राफिक्स देखेंगे, यहाँ पर आप ग्राफिक्स देखेंगे तो वो साइन वाले ही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्रोम के पार्ट लगाए गए हैं जिससे बाइक थोड़ी सी अच्छी दिख सके। यहाँ पर साइन और ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राफिक्स साइन वाले हैं। यहाँ पर होंडा का स्टिकर वाला लोगो है। यहाँ पर आप देखेंगे तो E20 लिखा हुआ है, मतलब ये E20 पेट्रोल से चलेगी। और पीछे से भी आप देख लें, इंडिकेटर वही CD 110 वाले यहाँ पर आप देखेंगे, और ये सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं। पीछे से डिज़ाइन तो आपको CD 110 जैसा ही लगेगा। और इधर अगर आप राइट साइड से देखेंगे इस बाइक को, तो भाई एक 100 सीसी की हल्की सी बाइक देखने में लगती है, जैसा कि इस जिसके लिए इसको बनाया गया है वही ग्राफिक्स इधर मिलते हैं। भाई फ्रंट से भी दिखा दूँ थोड़ा जल्दी से, और अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो आपको CD 110 जैसी लग सकती है। और बाकी कहने के लिए तो भाई नया डिज़ाइन है, और बाकी सिर्फ हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, पायलट हेडलैम्प नहीं मिलते हैं, और इंडिकेटर वही है, फ्लेक्सिबल नहीं है, और मडगार्ड आपको मैट फिनिश मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ग्लॉसी कलर मिलता है, लेकिन मडगार्ड आपको मैट ब्लैक मिल जाता है। अब यहाँ पर मैंने बिना देखे फ़ोटो में बताया था, इधर से आकर दिखाओ जो मैंने बताया था, मैंने आपसे बताया था कि भाई टैंक और सीट लगभग लगभग बराबर हैं। तो इधर से लाओ भाई कैमरा, इधर से अगर आप देखेंगे थोड़ा सा दूर करके कि ये सीट का डिज़ाइन और टैंक का डिज़ाइन दोनों एकदम बराबर ही बनाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सीट से कोई बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं, तो मेरे हिसाब से इसके टैंक के डिज़ाइन में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। यहाँ पर अगर आप मीटर में देखेंगे भाई, तो मीटर में एनालॉग मीटर ही मिलता है, जो CD 110 में मीटर है वही सेम टू सेम मीटर है, कोई अंतर नहीं है, एनालॉग मीटर है, जिसमें आपको यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रल की, चेक इंजन लाइट और इंडिकेटर की, और ये आपको हाई बीम की लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आपको पेट्रोल बताएगी। और अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये सेल्फ स्टार्ट बाइक है। और एक चीज़ यहाँ दिखा दो, यहाँ पर ये बिल्कुल खाली खाली सा है, ये आपको लॉक खाली खाली सा दिखेगा, यहाँ पर ये खाली खाली सा है। यहाँ पर आपको सेल्फ की बटन मिल जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे इंडिकेटर और हाई बीम लो बीम हॉर्न की बटन, और एक सिंगल हॉर्न इसमें मिलता है। और भाई कम कीमत में आप डबल हॉर्न की आप उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अभी डिज़ाइन में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, इधर आइए दिखाइए भाई। यहाँ पर अब कहने के लिए तो भाई ये 100 सीसी का नया इंजन है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो वो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, ये 100 सीसी का इंजन है। आप देखेंगे एकदम पतली सी पाइप इसमें लगाई गई है, और ये कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर दिया गया है, इधर एकदम पतली सी पाइप है जो कि यहाँ से यहाँ तक आई है, और बाकी साइलेंसर यहाँ तक आया हुआ है। और आप सस्पेंशन देख सकते हैं, इसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। और टायर जो लगाया गया है भाई इसमें, वो 317 का टायर लगाया गया है, ये देख लें, और ये नाइलो ग्रिप 2 लिखा है, कौन सी कंपनी का है, MRF कंपनी का टायर लगाया गया है। 110 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है इसमें, और आगे अगर आप देखेंगे तो 130 mm की भाई ड्रम ब्रेक मिल जाती है, इधर दिखाओ, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, 130 mm की ड्रम ब्रेक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पर आप देखेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें आपको मिल जाता है भाई। और यहाँ पर जैसे कि मैं पहले इसको स्टार्ट करके आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, वहीं रहो भाई वहीं रहो, एक मिनट ये दिखाओ इधर, तो स्टार्ट करने पर हाथों में थोड़ा सा वाइब्रेशन फील हो रहा है। और 100 सीसी की ये बाइक है, इधर से आकर भाई इंजन दिखाओ, साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच इस बाइक में आपको मिल जाती है,
जो कि साइड स्टैंड पर लगी हुई है, जैसा कि आपने होंडा सीडी 110 में देखा था, लगभग लगभग वही स्विच आपको मिलती है। लेकिन इस बाइक में आपको 98.9 सीसी का एयर कूल फोर स्ट्रोक एसआई इंजन मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन वाला, जिसमें आपको 7.2 एचपी की पावर मिलती है 7500 आरपीएम पर, 8.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 5000 आरपीएम पर, 47 mm इसका बोर है, 57.4 mm इसका स्ट्रोक है, 4 गियर की ये बाइक है, मतलब अंडर स्क्वायर इंजन इसमें आपको लगाया गया है। और राहुल भाई बैठ कर दिखाएंगे कि भाई बाइक इनके ऊपर कैसी लगती है। हाँ भाई वाह, ये है होंडा साइन 100 cc, और ये सभी बाइकें उपलब्ध हैं भाई इनविजन होंडा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर रुक जाओ भाई, अभी मत खड़ी करो, यहाँ पर आप होंडा की किसी भी बाइक या स्कूटर को खरीद सकते हैं। भाई सीट हाइट की बात की जाए तो 786 mm इसकी सीट हाइट है। बैठ, पैर सही पहुँच रहे हैं एकदम बढ़िया, हाथ वाथ सही ज़्यादा तो नहीं मुड़ रहे हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। और 1245 mm इसका व्हील बेस है, वजन है मात्र 99 kg, मतलब एक क्विंटल की भी बाइक नहीं है। 9 लीटर का पेट्रोल टैंक लगाया गया है, 677 mm इसकी सीट हाइट है, और ग्राउंड क्लियरेंस है 168 mm। और तो आपने देखा भाई कि इसका जैसे डायमेंशन क्या है। अब अगर बात करें भाई प्राइस की, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया शायद 74,000 की ऑन रोड प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन्होंने कन्फर्म नहीं बताया, तो मैं अभी शोरूम में नीचे जाकर कंफर्म करके आपको बता दूंगा। उन्होंने जो मुझे बताया 74,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है, लेकिन अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, और यहाँ पर मैं नीचे लिख दूंगा नई होंडा साइन 100 cc की लखनऊ इनविजन होंडा पर ऑन रोड प्राइस क्या है, आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। माइलेज की बात करें तो भाई अभी कन्फर्म नहीं है ये कितने की माइलेज देगी, लेकिन आप 60 से 70 तक माइलेज मानकर चलें। अभी जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगा, या फिर जैसे कोई टेस्ट नहीं करेंगे, या फिर जैसे कोई ख़रीदेंगे फिर उसके बाद वो चलाकर देखेंगे माइलेज बताएंगे, तभी कोई चीज़ कंफर्म कही जा सकती है, उससे पहले तो भाई कंफर्म नहीं की जा सकती है। बाकी मैं अभी बैठ के दिखा देता हूँ इस बाइक पर, पिकअप तो भाई लग रहा है। तो भाई ये 100 cc की बाइक होंडा कंपनी की आपको कैसी लगी, और इसके बारे में आपकी क्या राय है। अब जाहिर सी बात है इस बाइक को बहुत सारी बाइकों के साथ कंपेयर किया जाएगा, जैसे TVS स्पोर्ट के साथ, 100 स्प्लेंडर के साथ, बहुत सारी बाइकों के साथ कंपेयर किया जाएगा। फिलहाल इस बाइक को देखकर आपको कैसा लगा और क्या राय है आपकी इस बाइक को लेकर, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। आप सबसे पहले नज़दीक से देखें, यहाँ पर ये है इसकी क्वालिटी, और यहाँ पर साइन लिखा हुआ है